जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पोलेन ग्रेन के रिगार्ड पोलेन वियबिलिटी की बात करेंगे। पोलेन वियबिलिटी, पोलेन ग्रेन जो कि प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, एंथर वाला पार्ट में, यहाँ पे डेहिशेंस होता है और ये स्टिग्मा तक, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँचता है, इसको पोलिनेशन बोलते हैं। बट ये पोलेन कितने टाइम बाद तक यहाँ पे जाके फंक्शनल होगा और फर्टिलाइज कर पाएगा, उसको बोलेंगे पोलन वियबिलिटी। तो आज के क्लास में टॉपिक होगा हमारा पोलन वियबिलिटी, पोलन ग्रेन का वियबिलिटी। वियबिलिटी, पोलन वियबिलिटी ये क्या होता है, कितने टाइम पीरियड तक पोलेन फंक्शनल होगा और एबिलिटी रखेगा फर्टिलाइज करने के लिए एग को, कब तक ये फर्टिलाइज कर सकता है। जैसे पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू क्या होगा, पोलेन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा, मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट कितने टाइम बाद ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, वियबिलिटी बोलते कितने टाइम तक ये फर्टिलाइज कर पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे। तो पोलेन ग्रेन का वियबिलिटी की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, पीरियड बाय विच पोलेन मेल पार्ट, मेल गैमेट, है ना, पोलेन पोजेस द एबिलिटी, पोजेस एज द एबिलिटी टू फर्टिलाइज, है ना, टू फर्टिलाइज्ड द एग। एक को कब तक ये फर्टिलाइज कर पाएगा, है ना, उस एबिलिटी को बोलते हैं पीरियड बाय विच पोलेन पोजेस द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग, कब तक ये फर्टिलाइज कर सकता है, है ना। तो यहाँ पे पोलेन वियबिलिटी की अगर बात करेंगे, वीट और राइस जैसे 30 मिनट तक पोलेन ग्रेन, है ना, क्या होगा, वियबल होगा, उसके बाद नॉन फंक्शनल हो जाता है। कुछ प्लांट्स हैं लेग्यूमिनस और सोलानेशी वगैरह में जिसमें फ्यू मंथ्स तक यह पोलेन क्या होता है, वियबल रहता है। तो एग्जांपल में वीट और राइस को अगर देखेंगे, वीट एंड राइस, इसकी पोलेन वियबिलिटी की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, 30 मिनट्स होता है, कितना होता है, 30 मिनट्स। यही अदर स्पीसीज़ की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट फ्यू मंथ तक होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की अगर बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जिसकी पोलन वियबिलिटी जो होती है फ्यू मंथ्स तक होता है, फ्यू मंथ्स तक होता है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में कुछ तो लेग्यूमिनेसी और कुछ सोलानेसी प्लांट्स आता है, लेग्यूमिनोसी, एंड दूसरा जो आता है लेग्यूमिनेसी के अलावा सोलानेसी फैमिली का आता है, ये फैमिली का क्या होता है, फ्यू मंथ्स तक होता है। और जहाँ तक रही वीट और राइस का, ये 30 मिनट तक पोलन वियबिलिटी रहता है। इसके अलावा कुछ कंटेंट हम लोग को देखना है, जैसे स्मॉल पोलन की बात करेंगे, लार्जेस्ट पोलन की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट पोलन की बात करेंगे, साइज बेसिस पे, किस बेसिस पे, साइज बेसिस पे अगर पोलन की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट पोलन, नीट में कई बार पूछा है स्मॉलेस्ट पोलन कौन होगा, स्मॉलेस्ट पोलन मायोसोटिस, क्या होता है, मायोसोटिस, क्या होता है, मायोसोटिस, है ना। इसकी जो डायमीटर होती है पोलन का 2.5 माइक्रोमीटर,
ये साइज़ याद रखना है, स्मॉलेस्ट पोलन मायोसोटिस 2.5 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा साइज होता है, स्मॉलेस्ट पोलन होता है। लार्जेस्ट पोलन की अगर बात करें, लार्जेस्ट पोलन इनका जो साइज होता है, पहले नाम देखेंगे, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock जिसको बोलते हैं, जलापा, इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। इनके जो पोलन होते हैं उनका साइज होता है 250 माइक्रोमीटर, डायमीटर में कितना होता है 250 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, डायामीटर में ये कितना होता है 250 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। और लॉन्गेस्ट पोलन की अगर बात करेंगे तो जूस्टर आता है, लॉन्गेस्ट पोलन जूस्टेरा, जूस्टेरा ये 250 माइक्रोमीटर तक आता है, 2500 माइक्रोमीटर लेंथ वाइज होता है जूस्टेरा। इसका पोलन साइज यानी कि लेंथ वाइज जो होता है वो कितना होता है 2500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, लेंथ वाइज होता है ना। लॉन्गेस्ट बात किया है, लॉन्गेस्ट में लेंथ वाइज आएगा, लार्जेस्ट में डायमीटर वाइज आएगा, और स्मॉलेस्ट डायमीटर वाइज आएंगे। टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर मायोसोटिस याद रहेगा, मायोसोटिस मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा जिसको हम लोग लोकल नेम है 4 o'clock प्लांट, 250 माइक्रोमीटर डायमीटर। लॉन्गेस्ट में पोलन की अगर बात करेंगे तो जूस्टेरा आएगा, 2500 माइक्रोमीटर लेंथ वाइज होगा। इसके बाद हम लोग एजेंट्स की बात करेंगे, पोलिनेटिंग एजेंट्स जो क्या करेगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करेगा एंथर टू स्टिग्मा, है ना। तो एजेंट्स में पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोटिक एजेंट्स की बात की थी, आज के और अबायोटिक एजेंट्स की बात की थी। तो हम लोग देखते हैं एजेंट्स में किस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है थ्रू एजेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट या फिर अबायोटिक एजेंट्स या फिर बायोटिक एजेंट्स के थ्रू। तो हम लोग क्लास में, आज के क्लास में एजेंट्स को पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल से, नीट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। एजेंट्स में पहला एजेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एनिमोफिलस, है ना, जो विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनिमोफिली या फिर एनिमोफिलस प्लांट या फिर फ्लावर्स कह सकते हैं, है ना, एनिमोफिलस है ना, फ्लावर प्लांट। यहाँ पे पोलिनेशन होती है थ्रू विंड्स, पोलिनेशन थ्रू विंड्स, विंड्स के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, पोलिनेशन होगा। एजेंसीज कैसा होंगे, हवा होंगे, हवा के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा, पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ये एंथर वाला पार्ट है और ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, एंथर टू स्टिग्मा होगा थ्रू विंड्स, हवा के थ्रू होगा। ये अबायोटिक एजेंट्स है, हवा पानी। तो पहले हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर्स देखेंगे, प्लांट्स देखेंगे जो विंड्स के थ्रू पोलिनेशन होगा। अब अगर हवा के थ्रू पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन विंड के थ्रू जो होगा तो पोलन ग्रेन कितना होगा, देखो हवा के थ्रू, अगर हवा का रुख इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगा, अगर उल्टा रुख होगा इस साइड में तो ये पोलन ग्रेन बर्बाद जाएगा, है ना, या फिर दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा को जाके फर्टिलाइज करेगा, लैंड करेगा और वहाँ पे ओव्यूल को जाके, एग को जाके फर्टिलाइज करेगा।
तो जो विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है वहाँ पे पोलिन ग्रैंड ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, कि हवा के थ्रू भी चला तो कहीं भी जाके वो फर्टिलाइज़ कर देगा। बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्या होती है, पोलिन प्रोड्यूस होती है वेरी वेरी लार्ज अमाउंट में। बहुत ज़्यादा बर्बाद भी जाता है, बहुत कम जो है सक्सेस भी होता है, लैंडिंग हो जाती है स्टिग्मा वाला पार्ट में। तो यहाँ पे पोलन के रिगार्ड एनिमोफिजिलस प्लांट में, पोलन के रिगार्ड हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पोलन जो प्रोड्यूस होगी एनिमोफिलस प्लांट में, पोलन प्रोड्यूस जो होगी, पोलन प्रोड्यूस क्या होगा, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट में होगा, है ना, या फिर वेरी 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 लार्ज नंबर में होगा। वेरी वेरी लार्ज नंबर में होगा क्यों होगा, पता चला, अगर विंड है ना स्टिग्मा के डायरेक्शन में चला तो पोलिनेशन इजी वे में हो जाएगा, ऑपोजिट में चला तो बर्बाद जाएगा, है ना। फिर इधर कोई स्टिग्मा होंगे दूसरे फ्लावर के तो वहाँ जाके पोलिनेशन होगा, चांसेस होंगे, तो चांसेस बाय चांस, लक बाय चांस क्या होगी, पोलिनेशन होगा। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में पोलन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे वेरी वेरी लार्ज नंबर में, पोलन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ओके, दूसरा यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे, जैसे वेरी वेरी लार्ज नंबर की अगर बात करेंगे तो कुछ फ्लावर्स को देखते हैं, कैनाबिस है ना, फ्लावर ऑफ कैनाबिस, कैनाबिस ये एक फ्लावर है, यहाँ पे विंड के थ्रू पोलिनेशन होती है, बहुत लार्ज नंबर में क्या होती है, पोलन होती है, 5 लाख पोलन ग्रेन्स होती है एक सिंगल फ्लावर्स में। ये कैनाबिस में 5 लाख क्या होती है, पोलन होती है, प्रोड्यूस होता है इन सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर में 5 लाख पोलन प्रोड्यूस होती है वेरी वेरी लार्ज नंबर में। एक एग्जांपल कैनाबिस का देखेंगे, कैनाबिस की फ्लावर वो 5 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है वन फ्लावर, है ना। अब इनकी अगर क्वालिटी देखेंगे, हवा के थ्रू ये उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे और ये पोलिनेट लैंडिंग करेंगे स्टिग्मा वाला पार्ट में, तो ये हल्का होगा, वेट कम होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, नॉन वेटेबल कह सकते हैं, अनवेटेबल इस फॉर्म में होंगे। पोलन कैसा होगा, है ना, ये एनिमोफिलस फ्लावर्स होंगे, इनके पोलन कैसे होंगे, हल्के होंगे, पाउडरी किस्म के होंगे जो हवा में उड़ने लगे, है ना, तो लाइट वेट होगा, लाइट वेट WT लिख दिए, लाइट वेट होगा, पाउडरी होगा, पाउडरी होगा, नॉन वेटेबल होगा, वेट नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं इसको अनवेटेबल, इस किस्म के होंगे, लाइट वेट होंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, पाउडरी किस्म के, है ना, या फिर नॉन वेटेबल या फिर अनवेटेबल इस क्वालिटी के होंगे, कौन, पोलेन। ओके, बहुत सारे पोलेंस में विंग्स होगा, पंखुड़ी टाइप से जो हवा में उड़ने लगेगा, है ना, मेनी हैव विंग्स, मेनी पोलेन हैव विंग्स, मेनी पोलेन हैव विंग्स, है ना, पंखुड़ी टाइप से होंगे मेनी पोलेन, और विंग्स टाइप्स के जो होंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो पाइंस आता है, एग्जाम्पल में पाइंस, इनमें जो पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस होता है उसमें विंग्स होती है। अब इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स पोलेन ग्रेन का देखेंगे तो कुछ पोलेन ग्रेन्स होती है जिसमें जो क्या होता है, जिसका एंथर, ये वाला पार्ट एंथर जो डेहिसेंस करता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, और डेहिसेंस करता है फटता है तो पोलन हवा में बिखर जाता है ना, तो ये एंथर क्या होगा, एक्सपोज होगा, एयर के एक्सपोज में होंगे, हवा के एक्सपोज में होंगे, एक्सपोज एंथर होगा, फ्लावर आर एबव द लीफ होगा, जो कि बैरियर का काम नहीं करेगा, लीफ बैरियर का काम करेगा तो हवा को रोकेगा, तो एंथर जो डेहिसेंस होगा वहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, सही से रिलीज नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे क्वालिटी कैसा होगा, एंथर एक्सपोज होगा,
एक्सपोज्ड एंथर होंगे, उसके अलावा बैरियर में लीफ नहीं होंगे, दैट मीन्स लीफ के ऊपर फ्लावर्स होंगे, एंथर होंगे, है ना। फ्लावर आर अबव द लीव्स, कह सकते हैं फ्लावर्स आर अबव द लीव्स, है ना। कैसा होगा ये, जैसे लीव्स है, लीव्स के ऊपर फ्लावर्स होंगे इस तरह से, या फिर एक्सपोज में एक्सट्रीम पोजीशन पे उस तरह से होंगे, है ना, इस तरह से होंगे, हवा का कांटेक्ट होगा इस तरह से, है ना। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स, प्लांट्स, फ्लावर्स इस तरह से क्या होंगे, एक्सपोज एंथर होगा। एंथर कैसा होगा, एक्सपोज होगा। फ्लावर्स आर एबव द लीव्स होगा, एबव द लीव्स होगा इस तरह से, ये सारे फीचर्स होंगे, है ना। लीफ एज ए बैरियर यहाँ पे नहीं काम करेंगे, और यहाँ पे जो वर्सटाइल एंथर होंगे, कैसा वर्सटाइल एंथर होता है, जिसका जो एंथर लोब्स होता है इस तरह से होता है, इस तरह से हवा में डैंगलिंग करे, जैसे ही डेहिसेंस हो तो हवा में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए, हवा के साथ ये बहना स्टार्ट कर दे, उड़ना स्टार्ट कर दे, है ना। एनिमोफिलस फ्लावर्स हैव वर्सटाइल एंथर, कैसा एंथर होगा, एनिमोफिलस फ्लावर हैव वर्सटाइल एंथर, कैसा एंथर होगा, वर्सटाइल एंथर होगा, है ना। इस तरह से ये एंथर क्या होंगे, डेहिसेंस डेंगलिंग करेगा, है ना, इस तरह के एंथर को बोलते हैं वर्सटाइल एंथर। इसमें जो एंथर लोब होगा लॉन्ग साइज का होगा, ये एंथर लोब है, एंथर लोब कैसा होगा, लॉन्ग होगा, इस तरह से होगा, हवा में ये डैंगलिंग करेगा। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स हैव वर्सटाइल एंथर, कैसा वर्सटाइल एंथर होंगे, है ना, लॉन्ग एंथर लोब्स होंगे, हवा में एक्सपोज होंगे। इसका जो फ्लावर्स होगा, है ना, रिसेप्टर्स, ये भी एक्सपोज होंगे, ये लैंडिंग पार्ट, पोलन ग्रेन आके इजी वे में वहाँ पे लैंड कर सके। तो ये एनिमोफिलस एंथर एक्सपोज होगा, उसके साथ साथ स्टिग्मा वाला पार्ट में भी, स्टिग्मा वाला पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंडिंग होता है वो भी एक्सपोज होगा, ये भी बात को ध्यान में रखेंगे। स्टिग्मा इज ऑल्सो एक्सपोज्ड, है ना। नेक्स्ट स्टिग्मा के लिए पढ़ेंगे, स्टिग्मा इज ऑल्सो एक्सपोज्ड, ये भी एक्सपोज होंगे, है ना। स्टिकी होगा, फिदरी होगा, हेयरी होगा, कैसा होगा, एक्सपोज स्टिकी भी हो सकता है, है ना, फिदरी भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं हेयरी। जैसे पोलेन यहाँ से रिलीज होगा, हवा के साथ आएगा, तो ये इस क्वालिटी का होगा कि पोलेन आके यहाँ के चिपक जाए, स्टिकी चिपक जाए, फेदरी, है ना, इसमें फंस जाए, या फिर हेरी फंस जाए, इस तरह से कौन होगा, स्टिग्मा वाला पार्ट होगा, एक्सेप्टर, है ना, यहाँ से पोलेन ग्रेन रिलीज होगा, यहाँ के फंस जाएगा, इस तरह से होंगे, दैट मीन्स स्टिग्मा ऑल्सो एक्सपोज। फ्लावर सोई नहीं होगा, कलरफुल नहीं होगा, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा, विदाउट कलर होंगे, है ना, नेक्टर्स और सेंट फ्लावर में नहीं होगा, क्योंकि हवा के थ्रू हो रहा है, अबायोटिक एजेंट्स, उसको क्या पता है, खुशबू वाली प्लांट है तो यहीं पे जाएंगे। जो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंट्स को लुभाने के लिए वो फ्लावर कैसा करता है, कलर होता है, शोवी होता है, या फिर कह सकते हैं नेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, करता है, या फिर सेंट प्रोड्यूस कर सकता है, करता है, है ना। तो यहाँ पे फ्लावर कैसा होगा, द फ्लावर आर नॉट सोवी, द फ्लावर आर नॉट सोवी, है ना। दिखाता कौन है,
जिसको कोई देखने वाला होता है, या हवा पानी, नॉनसेंस है ना, नॉट सॉवी नॉट कलर, नॉट सॉवी नॉट कलर, दिखावा नहीं करेगा, कलर नहीं होगा, विदाउट नेक्टर एंड सेंट होगा, विदाउट नेक्टर एंड सेंट। कैसा होगा फ्लावर? नॉट सोवी, देखने में अट्रैक्टिव नहीं होगा, नॉट कलर्ड, कलरफुल नहीं होंगे, विदाउट नेक्टर्स है ना, जो पीने वाला होता है, नेक्टर्स और सेंट ये सब नहीं होंगे। एग्जांपल में जो प्लांट होता है, जो प्लांट विंड के थ्रू पोलिनेट होता है, एग्जांपल अगर देखेंगे तो मेज़, व्हीट, राइस, ग्रास ये सब आ जाएगा, मेज़, व्हीट, राइस एंड ग्रास, ये सब यहाँ पे एग्जांपल आ जाएंगे, जो किसके थ्रू? एनिमोफिलस फ्लावर्स होंगे, प्लांट्स होंगे, हवा के थ्रू पोलिनेशन होगा है ना, विंड के थ्रू, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू पोलिनेशन होगा। तो ये सब क्वालिटी होंगे एनिमोफिलस फ्लावर्स के। दूसरा जो हम लोग क्लास में देखेंगे, हाइड्रोफिलस प्लांट या फिर फ्लावर्स, जो पानी के थ्रू पोलिनेट होगा। ओके, थैंक यू।